हम देखेंगे एट्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेकेंड चैप्टर मैथ्स का, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय पैरेलल लाइन। तो हमको इसके पहले के क्लास में पढ़ाया होगा, पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइन जो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी कोई भी पॉइंट पे। ये दो जो लाइन है, सपोज दिस इज़ अ लाइन एम और दिस इज़ अ लाइन एन, तो ये जो दो लाइन है ये कोई भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है। तो ऐसे टाइप्स के लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और अगर हमने ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में से या ऐसे कहीं से भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में से या यहाँ से या इस साइड से हमने अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ की या एक लाइन ड्रॉ की जो दो पैरेलल लाइन को दो अलग-अलग लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ये जो लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू दिस टू पैरेलल लाइंस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्ट दैट पैरेलल लाइन इन टू डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ये लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस। अब ये इंस्टेंट पे तो ये दो लाइन पैरेलल्स है, हो सकता है आगे एक्सटेंड होके ये इंटरसेक्ट हो भी जाए, क्योंकि दिस इज दिस टाइप ऑफ लाइन इज लाइक दिस एंड ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तभी भी हम दोनों को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बीच में से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, दैट इज ट्रांसवर्सल AT, एंड दैट ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट पैरेलल लाइन एट पॉइंट M एंड नेक्स्ट पैरेलल लाइन एट पॉइंट N। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि पूरे जितने भी एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं ड्यू टू दिस ट्रांसवर्सल ऑन दिस टू पैरेलल लाइंस, तो सारे एंगल्स मिला के पूरे एंगल्स 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हर एक जो एंगल्स है इनकी एक आर्म ट्रांसवर्सल पे प्रेजेंट है। तो हमको अभी देखने कि कौन से अलग अलग यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। पहला हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई भी आर्म जो है ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स इन आर इन अ सेम डायरेक्शन एंड अदर आर्म ऑन अ सेम साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है तो हम उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये डेफिनेशन से ज़्यादा हमको यहाँ पे अच्छे से, अगर हमने एंगल्स देखे कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हमको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। यहाँ पे AMP ये जो एंगल है, ये एंगल एंगल AMP, एंगल AMP एंड एंगल MNR, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है? आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों भी एंगल्स जो है पैरेलल लाइन के अबाव है ना। दिस एंगल इज ऑल्सो अबाव दिस पैरेलल लाइन PQ, और ये जो एंगल है MNR ये भी RS पैरेलल लाइन के ऊपर है, और दोनों भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे प्रेजेंट है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है। वो ट्रांसवर्सल के ये साइड में ये एंगल है, तो ये भी एंगल ट्रांसवर्सल के यही साइड में है। सो वी कैन कॉल दिस एंगल्स एज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल AMP एंड एंगल MNR, एंगल MNR, दिस बोथ एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। उसके बाद अगर हमने देखा यहाँ पे ये एंगल भी सिमिलरली, जैसे ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे वैसे सिमिलरली ये भी दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग होंगे, पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड के। सो वी कैन से दैट एंगल AMQ एंड एंगल MNS, समझ में आ रहा है? ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए मैंने आपको दूसरे कलर के चौक से दिखाया है यहाँ पे एंगल MNS। समझ में आया आपको कि पैरेलल लाइन के अबाव, पैरेलल लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स है, और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड में थे ट्रांसवर्सल के, दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड पे है। वैसे ही सिमिलरली वी कैन से दैट ये जो एंगल है, एंगल PMN एंड एंगल RNT, दिस इज अ टी,
तो ये दोनों भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है. तो वी कैन से दैट एंगल PMN जो हमने एंगल लिया है उसका वर्टेक्स हमको क्या चाहिए, बीच में चाहिए रहता है RNT एंड एंगल RNT. दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. हम फिर सेम दूसरे साइड से भी वही कर सकते हैं. ये एंगल एंगल QMN एंड एंगल SNT ये दोनों भी क्या रहेंगे फिर एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे. एंगल QMN एंड एंगल SNT. दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमने यहाँ पे अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स देख लिए. हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि दैट एंगल शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ये एंगल इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कब बोलेंगे, जब वो दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और दोनों भी एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर हैं, या पैरेलल लाइन के दोनों भी एंगल नीचे रहना चाहिए. इंटीरियर एंगल्स देखेंगे अभी. इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है, ऐसे पेयर एंगल्स की जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में प्रेजेंट है और पैरेलल लाइंस के अंदर है, ठीक है, इनसाइड द गिवन लाइंस. जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के अंदर का जो पार्ट है, दिस इज अ इनसाइड पार्ट ऑफ दिस पैरेलल लाइन. तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल PMN एंड एंगल RNM, दिस आर द एंगल RNM, दिस आर द इंटीरियर एंगल्स. और इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखते समय हमको याद रखना है कि दोनों भी एंगल्स अंदर के रहने चाहिए, दोनों भी लाइन के अंदर के और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में रहना ज़रूरी है. तो हम यहाँ पे अभी पेयर पहले लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल PMN, दिस एंगल एंड दिस एंगल कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. एंगल PMN एंड एंगल इंटीरियर एंगल्स के पेयर लिख रहे हैं हम यहाँ पे. तो एंगल PMN पहले लिख लिया हमने, उसके बाद एंगल RNM या एंगल MNR ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी वे में लिख सकते हो. हमको जो एंगल लेना है सिर्फ उसका वर्टेक्स बीच में आना चाहिए. एंगल MNR एंड एंगल PMN दे विल फॉर्म अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल. दूसरी एंगल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या रहेगी, ये एंगल और ये एंगल QMN, QMN एंड एंगल MNS. तो ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स की पेयर्स. तो आपको इंटीरियर एंगल्स के लिए फिर से हमको क्या रिकॉल कर लेते हैं, क्या ध्यान में रखना है कि इंटीरियर एंगल्स कब रहेंगे, जब वो दो पैरेलल लाइन के अंदर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ऐसे ही एंगल्स की पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमको मिलेंगी. नेक्स्ट कंसेप्ट हमको देखना है अल्टरनेट एंगल का. तो अल्टरनेट एंगल का मीनिंग ये होता है कि ऐसे पेयर्स एंगल्स के जो अपोजिट साइड में है ट्रांसवर्सल के और उनकी आर्म जो है ट्रांसवर्सल पे है प्रेजेंट, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शोज द अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. तो हम अगर हमको बोलना है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अगर बोला है लिखना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ लो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. अगर हमको पेयर्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या बोलेंगे, PMN अगर ये एंगल है, इंटीरियर एंगल अगर है PMN, तो इसका अल्टरनेट एंगल जो है वो भी इंटीरियर ही रहेगा, बट क्या है कि वो ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में है. अगर ये एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड में है तो अल्टरनेट एंगल का पेयर लिखने के लिए हमको ट्रांसवर्सल के उस साइड का एंगल लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पहली पेयर क्या होगी,
PMN and angle MNS. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि PMN यहाँ पे एक आर्म इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो दूसरी आर्म हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं. ये एंगल ऐसे आ रहा है, दूसरा एंगल ऐसे ले रहे हैं, MNS. तो ये इंटीरियर एंगल है तो इसका इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी यही रहेगा. ये दोनों क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. कैसे, ये भी एंगल एक्सटीरियर है और ये भी एंगल एक्सटीरियर है, पैरेलल लाइंस के बाहर के एंगल है दोनों भी, बट फर्क इतना ही है कि दोनों एक दूसरे को मतलब अपोजिट साइड में है. ट्रांसवर्सल के ये साइड में ये एंगल है तो ट्रांसवर्सल के ये साइड में दूसरा एंगल है. तो इनकी एक्सटीरियर एंगल की अगर हमने पेयर्स देखी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की अगर हमने पेयर देखी तो आपको समझ में आएगा कि एंगल ए एम पी, एंगल ए एम और पी एंड एंगल एस एन टी या टी एन एस कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल टी एन एस, ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर है ये. और इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन रहेगा, एंगल ए क्यू, एंगल ए एम क्यू का, एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी या टी एन आर, दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे टैंगल टी एन आर, टी एन आर, दिस विल ऑल्सो शो द पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो अल्टरनेट एंगल के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि दोनों जो एंगल्स है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में रहने चाहिए, राइट. इसका अल्टरनेट एंगल ये भी रह सकता है, इसका अल्टरनेट एंगल ये भी रह सकता है, बट हमको यहाँ पे अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर बोला है तो इंटीरियर देखते समय अंदर के एंगल देखना है और ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल देखना है. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल देखने के लिए दोनों भी बाहर के रहने चाहिए लाइंस के, और दोनों भी एंगल्स जो है वो ट्रांसवर्सल साइड लाइन के अपोजिट साइड में रहना ज़रूरी है. तो ये हो गया हमारा अलग अलग हमने एंगल्स देखे. तो ये जो सारे एंगल्स मिडवायर ट्रांसवर्सल ये सब देख के आप ये पूरा रेफर करके प्रैक्टिस से 2.1 सॉल्व कर सकते हो.